दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे दिन के खेल को देख महिला खिलाड़ियों ने कर दिया जीतने वाली टीम के नाम का ऐलान। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 4 दिन का खेल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अंतिम दिन से पहले महिला खिलाड़ियों ने जीत की दावेदार रहने वाली टीम का नाम घोषित कर सनसनी मचा दी और एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार महिला खिलाड़ियों ने अंतिम दिन के पहले क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 444 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारत ने 3 विकेट गंवाकर 164 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने यह रन 40 ओवर में 4.1 के रन रेट से बनाए हैं। आखिरी दिन 90 ओवर में भारत को 280 रन बनाने हैं और उसके 7 विकेट शेष है। चौथे दिन विराट कोहली 60 गेंदों में 44 रन और अजिंक्य रहाणे 59 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों के बीच अब तक चौथे विकेट के लिए 118 गेंदों में 71 रन की साझेदारी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस, नाथन लायन और बोलैंड ने एक एक विकेट हासिल किया है। ऐसे में 5वें दिन मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होगा, जिसको देखकर महिला खिलाड़ियों ने जीत की दावेदार टीम का नाम घोषित कर बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें स्मृति मंधाना ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मोड़ पर महामुकाबला पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम सत्र तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से काफी ज्यादा कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि दोनों टीमों के पास बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसके चलते यहां तक मुकाबला रोमांचक पहुंच गया। ऐसे में अब मुझे लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पर दबाव बनाकर भारतीय टीम को एक बार फिर फाइनल जीतने से रोक देगी। तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिले हैं। कभी भारतीय टीम आगे आ जाती है तो कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे आ जाती है। ऐसे में मुझे लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतिम दिन ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद आपने भी नहीं की होगी। मेरे अनुसार तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत रही है, क्योंकि भारतीय टीम के 2 महत्वपूर्ण और अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर मौजूद हैं जो गेम पलट सकते हैं। तो वहीं मिताली राज ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है, क्योंकि अंतिम दिन से पहले भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अंतिम दिन से पहले भारतीय टीम ने अंत में जो मोमेंटम अपनी तरफ आकर्षित किया है उसके चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जिसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकती है और लगभग 10 साल के सूखे को समाप्त कर इतिहास के पन्ने में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अर्जित कर देगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 5वें दिन भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।